रिडल सुपरस्टार के अब तक के स्कोर्स में नंबर वन पे हैं आकाश और नंबर टू पे हैं अमायरा। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा उस ग्रुप को जिसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखे। मुश्किलें आई, मुश्किलें गई, लेकिन ये इन बच्चों का हौसला और इनकी हिम्मत ही है जो इन्हें इस कॉम्पिटिशन में अभी भी बनाए हुए है। The next group is Phenom group. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बेनाम ग्रुप की लीड सिंगर कुल्फी की आवाज चली गई है और अब तक वापस नहीं आई, लेकिन टाइम अभी भी है और उम्मीद अभी भी है। इसीलिए इनके इस राउंड के गुरु सिकंदर जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि उनको परफॉर्म करने दिया जाए। तो दोस्तों, दिल से दुआ कीजिए, होप कीजिए और स्वागत कीजिए उनके इस राउंड के गुरु सिकंदर सिंह गिल का। आवाज अब तक नहीं आई तो अचानक कैसे आ जाएगी? ऊपर वाला अगर चमत्कार दिखाने पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक इज रियली पावरफुल और मैं इसमें बिल्कुल विश्वास करती हूँ। कुछ भी हो सकता है, शायद उनकी आवाज भी लौट आए। Who knows? बेनाम ग्रुप एंड सिकंदर, ऑल द बेस्ट टू यू। हम सब आपके साथ हैं एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओके, सो डू वेल। कि सब प्रे कर रहे हैं कि तेरी आवाज वापस आ जाए, पर मैं प्रे कर रही हूं कि तेरी आवाज कभी वापस ना आए, तू कभी ना गाए। फलाना, आर यू रेडी? गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, गॉट इट मियां मैम, मैं बिल्कुल रेडी हूं। गो फॉर इट। डर्टी गर्ल लिटिल सुपरस्टार से बाहर, कम ऑन गॉड। Oh,
इतना बड़ा जुमर आपके ऊपर। और बोल, और बोल, और बोल। चंदू, चंदू, माँ को चोट लगी क्या? मैंने दिखा। नहीं, माँ मेरे को नहीं लगी है। तेरी आवाज वापस आ गई। मेरी आवाज? देख कुल्फी बोल रही है। सब सब चंगा है मैंने। तू देखना अभी हमारी कुल्फी देख गाएगी। देखना तू। हमारी हीरोइन वापस आ गई गाइस। पार्टी बनती है पार्टी। तो बस गा। मैं तेरे नाम ही। Come on, कुल्फी। गा कुल्फी, गा। गाओ कुल्फी, गाओ। बस गा। Ah, 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 ah
क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये है जीनियस परफॉर्मेंस। वेल, कुल्फी की आवाज वापस आ गई, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हो गया, किसी को चोट नहीं आई, थैंक गॉड। सो इस एक्शन, इमोशन, प्यार और दर्द भरी परफॉर्मेंस के बारे में जान ली है आपने मेरी राय। अब चलते हैं हमारे जजेस के पास। उदित जी, पंडित जी, उषा जी, हाय। सबसे पहले तो मैं कुल्फी को बधाइयां देना चाहता हूं कि कुल्फी की आवाज वापस आ गई। इनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या कहूं, अपनी गायकी से सबकी आंखें इन्होंने नम कर दी। और मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे भी विश्वास था कि आपकी आवाज फिर एक बार आ जाएगी। और बहुत अच्छे से गाइए, दुनिया को बता दीजिएगा कि यू हैव अ वंडरफुल वॉइस। ऑल द बेस्ट डार्लिंग, कंग्रेचुलेशन, लव यू। बच्चे की आवाज वापस आ गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरी तरफ से बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इतने कमाल के कॉम्प्लीमेंट्स के बाद आइए नजर डालते हैं स्कोरबोर्ड पर और देखते हैं कि बेनाम ग्रुप को कितने मार्क्स मिले हैं। बेनाम ग्रुप को मिले हैं 30 में से 24 मार्क्स। तो अब तक के स्कोर्स के हिसाब से नंबर वन पोजीशन पर है आकाश। अभी तक नंबर टू पोजीशन पर अमारा थी विद 30 में से 22 मार्क्स, लेकिन अब बेनाम ग्रुप की इस परफॉर्मेंस के बाद वो नंबर दो पर आ गए हैं। तो एक बार बेनाम ग्रुप के लिए तालियां। यानी कि अमायरा सिकंदर सिंगल एक सीढ़ी नीचे उतर गई हैं और अब वो आ चुकी हैं नंबर तीन पोजिशन पर। शुक्र है तेरा रब जी, कुल्फी और हमारा दोनों टॉप फोर में आ गए। धरती कल की आवाज भी वापस आ गई, उसने डैडा के साथ गाना भी गा दिया, मुझे नंबर टू से नंबर थ्री पे भी कर दिया, सब रॉन्ग हो रहा है। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे टॉप फोर कंटेस्टेंट्स को। आ जा बच्चों। इतने लंबे सफर के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे सेमीफाइनल राउंड में। इंपॉर्टेंट राउंड, टफ राउंड, ये है द स्टाइल स्विच राउंड। इस राउंड में कंटेस्टेंट्स अपने अंदाज से हटकर, यानी कि अपने स्टाइल से हटकर गाना गाएंगे। कौन सा कंटेस्टेंट कौन से स्टाइल में गाना गाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स तय करेंगे। इस राउंड में बच्चों को बिना अपने गुरु के परफॉर्म करना होगा और इसके एंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ दो फाइनलिस्ट रह जाएंगे। तो कौन होंगे हमारे टॉप टू फाइनलिस्ट, आकाश और अमायरा या फिर आकाश और मीनल? या फिर कुल्फी एंड अमायरा, से दैट। या फिर कुल्फी एंड अमायरा। कुल्फी और अमायरा, ये तो मैं सोचा नहीं सी कि अगर ये दोनों फाइनल में पहुंच गए तो क्या हुआ। जीत एक की होगी और दिल दूसरी का टूटेगा। रब जी, मैं की करा। Thank you.
ऐसे क्यों कह रहा था? वो तो तुम लोग रो रहे थे, इसके लिए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं भी रो रहा था। उसमें क्या तुम्हारा? थैंक यू जी, थैंक यू। ओह, सारी खुद ही बोलते रहोगे, मेनू भी बोलने दोगे? मेरी आवाज वापस आ गई, अब मैं फिर से गा सकती हूं। हम टॉप 4 में भी पहुंच गए। आज कितनी खुशी का दिन है। मेनू अपनी आवाज की इतनी याद आ रही थी, पता है? मेनू तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तो अगले कुछ महीने मैंने चुप भी नहीं होना। मैं आपको खूब सारे गाने सुनाऊंगी, बरसात वाले डडुए जी की तरह डर डर करके दिखाऊंगी, बिल्ली जी की तरह म्याऊ म्याऊ करके दिखाऊंगी। अब तो मैंने बोलते जाने बोलते जाने बोलते जाने बोलते जाने। अरे कुछ भी सांस तो ले लो। मेरी आवाज लौट आई, अब मैं सब तुम पकड़ के संभाल के कस के रखूंगी, वैसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नन्हा सा गुल खिले से खेले चंदा बादल में, ओ, खेलेगा वो तेरे आंचल के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।